मोहित जी नमस्ते। लगता है मोहित जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कोई बात नहीं, मोहित जी का सवाल जरा स्क्रीन पर ले आइए। उन्होंने हमें प्रश्न भेजा है तो उनका सवाल डिस्कस कर लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के सवाल है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के इन्होंने 550 शेयर ले रखे हैं। 158 के भाव पर इन्होंने ये खरीदारी की हुई है। अभी अगर हम देखें तो 128 के आसपास ये शेयर चल रहा है। हाल की लिस्टिंग है सर, और बहुत सवाल इस पे रहे क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने भर भर के जो है अप्लाई किया पहले आईपीओ में, और उसके बाद भी लोगों को लगा कि और ऊपर जा सकता है। लिस्टिंग के बाद भी हमने देखा कई लोगों ने अप्लाई पैसे इसमें लगाए हैं और हायर लेवल पे थोड़ा फंस गए हैं। अभी 128 के आसपास क्या करना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के? अभी ये हमको एक बार ज़रा दिखा दीजिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में इनकी खरीद का भाव क्या था? अगर प्रश्न एक बार फिर से दिखा देंगे मैं जी। इन्होंने 158 पे लिए हुए, तो 30 रुपये इनको भी नुकसान हो रहा है सर पर शेयर जो है यहाँ पर। अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे जिन लोगों के पास आईपीओ के पड़े हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी जो कि प्रॉफिट में है, क्योंकि काफ़ी सवाल आते हैं, और इन्होंने 158 पे लिए हुए हैं, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर, दो चीजें हैं। एक तो बजाज ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करने का एक एग्जांपल हमने देखा हुआ है, बजाज फाइनेंस में हो, बजाज अदर जो ग्रुप्स कंपनी है वहां पे अच्छे वेल्थ क्रिएट करने के लिए मौका दिया हुआ है बजाज ग्रुप ने। सेकेंड, मैं बोलना चाहता हूँ जहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस या हाउसिंग सेक्टर के ऊपर, मुझे लगता है 2 से 3 साल में हाउसिंग एज ए सेक्टर बहुत डबल डिजिट, हाई डबल डिजिट ग्रोथ आने वाला है। जहाँ पे प्राइवेट में मुझे लगता है बजाज हाउसिंग इज द फर्स्ट एंड फास्टेस्ट मूविंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया राइट नाउ। उसके पीछे जो पीएनबी बैंक है या एलआईसी बैंक है, उतना स्पीड से ये जो ग्रोथ कर रहे हैं उसके स्पीड से वो ग्रो नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है वो एडवांटेज है। बट इसमें जो बड़े लीडर्स हैं वो तो एचडीएफसी बैंक और एसबीआई है, जहाँ पे हाई मार्केट शेयर है विद रिस्पेक्ट टू हाउसिंग फाइनेंस। बट अगर प्राइवेट में जाते हैं तो बजाज इज द लीडिंग कंपनी, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगले 2 साल में हाउसिंग एज ए सेक्टर में बहुत बड़ा हाई ग्रोथ आने वाला है, तो 2 साल का व्यू रख के ही इसको यहाँ पे अकोमोडेट भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो। जिस तरीके से आईपीओ में जो डबल से ऊपर लिस्टिंग हुआ था, मुझे लगता है अगर कोई भी शेयर आज के जमाने में अगर लिस्टिंग में 100% के ऊपर अगर लिस्टिंग देता है, तो वहां पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और एक रिस्की इन्वेस्टर जो डबल होने के बाद भी होल्ड करना चाहता है, वहां पे हर डीपी उसको अकोमोडेट करना चाहिए। मुझे लगता है 120 130 का एक अच्छा लेवल है, अकोमोडेशन करना चाहिए वेल्थ क्रिएशन के लिए। बट आपका टाइम हॉरिजन 2 से 3 साल होना चाहिए। 2 से 3 साल, तो वो तमाम सेक्टर जिसमें कि जो है काफ़ी रैली आ चुकी है वहाँ पर अगर आप लंबा नज़रिया रखेंगे तो प्रशांत जी का मानना है कि आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। इस समय थोड़ा सा धैर्य दिखाने की आवश्यकता है, चाहे वो रेलवे पे लेकर के बात हुई हो अभी या फिर डिफेंस को लेकर के बातचीत हुई हो। चलिए अगले